तो यार ये अपना रूम है 1204, ठीक है। और ये अपन है, कुछ कुछ ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं पिछले 3 दिन से। और ये अपना डबल शेयरिंग रूम है, अभी ट्विन शेयरिंग रूम। ऐसे इंसर्ट द की इंसर्ट की कुछ चला नहीं, ये ये पता नहीं किस लिए है, अच्छा बंद किया था, ठीक है। और यहाँ पे अपने लगेज रख दिए थे भाई ने, छोटू एक मिला था अपने को साथ में। एक बहुत अजीब बात है भाई, यहाँ पे हर बंदे का नाम अहमद है। अब मुझे नहीं पता कि हर बंदे का नाम अहमद क्यों है। यहाँ पे आपको अहमद तरकाश मिल जाएगा, अहमद सुलेमान मिल जाएगा, आपको हर बंदा अहमद मिलेगा। ड्राइवर अहमद, ट्रैवल वाला गाइड अहमद, जो यहाँ पर पानी देने के लिए आया वो भी अहमद, जो बंदा बेडशीट चेंज करने के लिए आया वो भी अहमद। तो आज से मैं भी जसनीत अहमद। ये हम लोग रेस्टोरेंट से ले आए थे मार के, टिपिकल इंडियन थिंग्स। बाकी ये है अपना सुखाने सुखाने के लिए सामान। यहाँ पे टीवी दिया है, चला के देखा नहीं हमने कभी भी, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये अपना हो गया ड्रेसिंग टेबल टाइप, जो कि यूज़ नहीं किया है। ये जैकेट अपनी है, थोड़ी सी यू नो एयरपोर्ट के अंदर थोड़ी ठंड थी तो इसलिए हमने पहनी थी। बाकी ये कर लेते हैं हम लोग डाबर का मंजन, टूथपेस्ट अंदर पड़ी है, निकालने का मन नहीं किया, चेक इन लगेज कौन खुलेगा। ये मेरा चश्मा है और ये लैंप है, ऐसा कुछ कुछ है इधर। बाकी दे हैव गिवन दीज अलमीराज आल्सो। ये ऐसा कुछ वार्डरोब है, इस वार्डरोब को भी हमने अभी तक यूज़ नहीं किया है। ऑफकोर्स ये बात है, ज़रूरत ही नहीं पड़ी है यूज़ करने की, इतने दिन के लिए हम लोग थे नहीं, हमारा स्टेज थोड़ा कम दिन का है। बाकी इट्स लाइक दिस, ऐसा कुछ है। ऊपर तक बहुत सही है, वॉल्स बहुत बढ़िया हैं इसकी। इट्स द व्यू यहाँ से, इस कमरे के व्यूज़ बहुत तगड़े हैं। मेन बात ये है कि इस कमरे के व्यूज़ बहुत सही हैं। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स, हमारे बेड जो कि बहुत गंदे हो रखे हैं इस टाइम पर। ये मेरा बैग पड़ा है, ये मेरे 2 बैग और हैं। दिस केटल, जहाँ पे आपके पास कॉफ़ी का भी कुछ माल पड़ा है कॉफ़ी बनाने का, एंड सैनिटाइज़र ऑफ कोर्स, जो कि कतर एयरवेज से मारा हुआ है। और बाकी ये है कॉफ़ी, अगर कोई स्मोक करता है तो उसके लिए बड़ी प्यारी सी यहाँ पे माचिस रखी हुई है, और ऐश ट्रे भी है। एनी हाउ वी हैव डस्टबिन्स। बाकी यहाँ पे कुछ छुपा छुपा पड़ा हुआ है, इसको हमने खोला नहीं है अभी तक। इसमें पता नहीं किसकी लाश कटी हुई डली हुई है, मुझे पता नहीं। और फिर हम लोग गए कैफेटेरिया के अंदर, तो आपको एक बारी कायरो का ब्लैंड फूड भी दिखा देते हैं। यहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप की ब्रेड पड़ी थी, और जो फूड में था वो था कुछ ऐसे बासी फ्रेंच फ्राइज जिनका टेस्ट अजीब सा था। और ये है मैकरोनी, जिसमें बिल्कुल भी मसाला नहीं है, सिर्फ बॉइल्ड मैकरोनी है। ये हमारा पिज़्ज़ा था। और ये राजमा उबले हुए, जिनका अजीब सा स्वाद था, बहुत अजीब। और ये दाल थी, बट दाल के अंदर भी अगेन पानी पानी था, बट दाल फिर भी काम चलाऊ थी। चावल, दाल और चावल मिक्स करके आप फिर भी खा सकते हो, काम चला सकते हो। इस दिन खाना थोड़ा अच्छा था, आप देख ही सकते हो। नॉन वेज के अंदर भी आपको फिर भी डिशेस मिल जाएंगी, बट वेजिटेरियंस के लिए कुछ ज़्यादा खास नहीं था। और ये एक चीज़ थी जिसके सहारे हमारी चीज़ें चल रही थी, जो कि इस टाइम पे खाली हैं, जूसेस। और यहाँ पे पीछे डेजर्ट सेक्शन है, डेजर्ट सेक्शन के अंदर फिर भी थोड़ा बहुत माल कभी मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो, काफ़ी तरीके की पेस्ट्रीज़, काफ़ी तरीके के स्वीट्स, खजूर आपको फिर भी देखने को मिल जाएंगे, योगर्ट मिल जाएगा, सैलड के अंदर भी आपको काफ़ी वेराइटी मिल जाएगी। बट अगेन इट्स यूरोपियन ब्लेंड, तो वहीं का टेस्ट था, यूरोपियन पैलेट फॉलो कर रहे थे वो लोग। और ऐसा कुछ कुछ रेस्टोरेंट दिख रहा था जो कि थोड़ा अपने आप में यूनिक वाइब दे रहा है मेरे को, अगेन अ यूरोपियन वाइब। और अभी ज़्यादा लोग आए नहीं हैं, मैं बहुत जल्दी आ गया था इस दिन। यूरोपियन वाइब मिल जाएगा आपको, मुझे पता नहीं मास्क की वजह से कितनी वॉइस क्लैरिटी आ रही होगी, बिकॉज अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट जो साथ में है,
मुझे पता नहीं कितनी वॉइस क्लैरिटी आ रही होगी, बट काम चला रहा है जैसे भी है। दो मास्क कर रखे हैं कोविड की वजह से, बाकी यही है। वेरी गुड। रिसेप्शन एरिया जो मैंने पहले भी दिखा दिया था। बहुत है, तो अभी मैं यही बोल रहा था कि यहाँ पे देसी बहुत हो गया इकट्ठे। अच्छा। तो ये सारे अपने देसी हैं, अभी तो ये इतने ही हैं। 13 लोग 13 गुजराती से मैं मिलके आ रहा हूँ अभी रिसेप्शन पे, तो 13 गुजराती होते मिल गया रिसेप्शन पे, 6 चंडीगढ़ के बंदे मेरे को मिल गए दिन में बूफे पे, और चंडीगढ़ के मेरे को मिले काफी सारे बूफे पे। यार बड़े बंदे हैं अपने अपने बड़े बंदे हैं भाई, बिगाने। और फिर हम लोग गए मार्केट एरिया की तरफ जो कि होटल से बाहर था, वहाँ पर थोड़ा सा आगे हम गए पहुँचे, बट मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया, आपको आगे पता लगेगा ऐसा क्यों। केड़ी गड्डी और कितने पासी होगी फिर? तो मैं ये बता रहा था यहाँ पे ऐसी गाड़ियाँ मिल जाएंगी आपको देखने को, बहुत पुरानी पुरानी स्टीम टाइप की ऐसी मिल जाएगी ऐसी गाड़ी, और फिर आपको ऐसी बसेस भी दिख जाएंगी लाइक सुपर सेक्सी बसेस। तो काफी कुछ देखने को मिल जाएगा आपको। कितने का गिर जाएगी पोर्श? थोड़ी नहीं है ले आ गया बंदा है एंटीक पीस। ओहो मारुति है क्या? मारुति है क्या? ना जेन किया किया भी चल दिया थे, किया भी चल दिया है, पता नहीं कौन सी गाड़ियाँ। ओहो साड़ी प्यारी आइटन भी हैगी इतने, इंडिया की चल रही है मेनली, तो टाटा वाटा भी चल रही है। अरे ऐसे खटारा मिल जाएंगे आपको, बढ़िया मिल जाएंगी सारी। ओहो हो ये पता नहीं भाई कौन सा एंटीक है, पता नहीं कहाँ का एंटीक है ये। हाँ नासिर भाई की गाड़ी है, और ये पता नहीं कहाँ का ही एंटीक है ये। आपको ऐसे एंटीक भी दिख जाएंगे यहाँ पर। Then we have Logan, we have Renaults, right? Renaults. Kia की यहाँ पे मैंने 3-4 गाड़ियाँ देख ली हैं Kia की, and I don't think ये version शायद इंडिया में मिलता है। This is a little difference Hyundai की, पता नहीं कौन सी गाड़ी है, देख लेते हैं। ये कौन सी गाड़ी है भाई? Elantra. ये Elantra आगे से कुछ अलग लग रही थी मेरे को। हाँ ये Elantra का ये भी थोड़ा हिसाब से बदलते हैं ना कंट्री। अच्छा नहीं नहीं डिजाइन अच्छा है, ये वाली i20 इंडिया में नहीं चल सकती। ये Elantra का डिजाइन बहुत सही लग रहा है ना, मेरे को ये पोर्श लगी थी। अरे ये पोर्श नहीं है, किया है ये तो। किया की हम बहुत गाड़ियां देख ली मैंने। किया कौन है? Hyundai है ना किया? किया पता नहीं, आ जाओ चलते ना दुकानों में। आओ ना, क्या बात कर रहे हो? अरे आओ ना यार आओ, कैसी बातें करते हो? What's this? Hello? Hi. Hey. Welcome. Welcome. Thank you. You photo the shot. Yeah, can I take a photo? You can, why not? Thank you. You're so sweet. वैसे यहाँ पे मतलब लाइक ममीज एंड फैरोज काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रखा हुआ है, लाइक अ लॉट ऑफ स्टफ। दीज आर की चेन्स और लाइक व्हाट? मैग्नेट्स। दीज आर मैग्नेट्स, हाँ these are said sort of magnets, like fridge magnets and all of that stuff.
okay, we have some historical books. No, these are CDs, right? DVDs. These are DVDs, okay. This is nice. You have perfumes? Yeah. You have perfumes? Oh, wait a second. Are these Lays? These are Lays, right? Yeah. Oh, it's written in, is it Arabic, right? This is Arabic. The language. The language is Arabic and in English. The boss side. This is Lays. What? Lays. What is this written? Chipsy. 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 Yes. Chipsy. Okay. Back in India, like we call it Lays. Yeah, we have Lays, but not this. Oh, different okay. Company. Okay. It's a different company. Yeah. Okay. Okay. That's nice. That's great. Nice to see. Where are the perfumes? Yeah, but what do you photo? Why do you make video for? Like I vlog. Vlog is actually video logging kind of. I have a YouTube channel, so I put like this all on YouTube. Mm-hmm. But I hope you say something nice about us. Of don't course, of course, of course, okay? Of course. Yes. Some people they play this game and they say blah 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 and all the shit, you know? We don't like this. No, no. Of course. Okay, where are the perfumes? You want to buy perfume? Yeah, actually, like I was going for. You have itters. Itters. Itters, yeah. Itter. Pure essence, no alcohol. No alcohol? No alcohol. Pure. So, what do you put in that? But could you close this, please? Oh, sure. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother...